ओम परमात्मने नमः। गीता लिख के हरि श्लोक को बड़े ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, तभी कुछ प्राप्त होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से पूरी वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। तो 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुछ 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की है। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसंतम। अर्थात यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाता। जाना ही यज्ञ सिष्टि अमृत का अनुभव करना है। अमृत अदार्थ अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है, मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझ कर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। तो जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बनता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है, उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोको अस्ते यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसंतम। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहां कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा ये लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है, इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।